सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज आपको सॉल्यूशन करना TRN 17 कोड है, इसका सॉल्यूशन करना है। आप ध्यान से देखते रहिए, सारे सवाल को हम समझा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो को आराम से देखिए, जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीखिएगा। आज ज़्यादा सवाल है सम विषम पर आधारित सवाल है, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से एक, ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तक में सबसे पहले देखिए आप कितना सम होता है, कितना विषम होता है। रुकिएगा, ध्यान से हम जो सिखाना चाह रहे हैं अभी सवाल पढ़ने आ रहे हैं, ऐसे हम डायरेक्ट हम सिखा रहे हैं। हम बोलेंगे कि 10 तक में कितना सम है और कितना विषम है, सिर्फ सम विषम हम पूछ रहे हैं आपसे। तो 10 तक में कितना सम और कितना विषम होता है, देखिए ये विषम है, ये सम है। तो पहले विषम को हम काउंट कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 10 तक में 5 को विषम हो गया, तो सम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 सम और 5 विषम निकला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला आपका कि 10 तक में 5 सम होता है, 5 विषम होता है, आधा सम हो गया, आधा विषम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हम पूछेंगे 50 तक में कितना सम होगा, कितना विषम होगा, तो बोलिएगा 25 सम 25 विषम। हम पूछेंगे 100 तक में कितना सम होगा, कितना विषम होगा, तो आप बोलेंगे 50 सम 50 विषम। 1000 तक में कितना सम विषम होगा, तो आप बोलेंगे 500 सम 500 विषम। यानी आधा अधिकार देना, आंसर मिल जाएगा आपका, उतना सम होगा उतना विषम होगा। ये चीज़ को समझ गए। चलिए अगला पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि 10 तक के सभी सम संख्या का योगफल, पहले विषम ले लेते हैं। सवाल यूं रहा, 10 तक के सभी विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल क्या होता है। दूसरा सवाल रहा, 10 तक के सभी सम संख्या का योगफल, योगफल क्या होगा। इसका सूत्र बनता है n² और इसका सूत्र बनता है n(n+1)। हमको 10 तक में कागो विषम संख्या निकला, तो आप बोलेंगे 5 को, तो बस 5 का स्क्वायर आप कर दीजिए, तो आपका ये 25 होगा। जोड़ के दिखा देते हैं, 10 तक के सभी विषम संख्या का योगफल 25 से निकलता है कि निकलता है। 1, 1, 3 कितना 4, 4, 5 कितना 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25 देखिए 25 निकल गया। आपको सम संख्या का योगफल चाहिए, n इंटू n का मान क्या निकाले हैं, 5, तो यह 5 डालते हैं। ये नंबर ऑफ जितना नंबर है उसको हम n बोलते हैं, 5 × 5 + 1 तो बराबर 30 होगा। तो आप ट्राई कर लीजिए, तो ये 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30 देखिए 30 यहाँ से भी जोड़ के निकला है, 30 यहाँ से भी जोड़ करके। तो आपको क्या जोड़ने की ज़रूरत है क्या। हम कहेंगे आपको कि बताइए 50 तक के सभी विषम संख्या के योगफल क्या होगा, तो आप जान बोलते हैं कि n स्क्वायर होता है विषम संख्या का। 50 तक में 25 को विषम होगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। हम कहेंगे 100 तक के सभी विषम संख्या के योगफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 100 तक में 50 को विषम संख्या होता है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 आंसर हो जाएगा। हम कहेंगे आपको कि 12 तक के सभी सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो n × n+1 12 तक में 6 को सम 6 को विषम, तो सम का सूत्र होता है n × n+1 होता है, तो 6 + n+1 7 यानी 6 × 7 = 42 आंसर 42 हो जाएगा। ऐसे बनाना, मौखिक बनाना, बस सूत्र को याद रखना है कि विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है और सम संख्या का योगफल n × n+1 होता है, और कुछ नहीं करना। और याद रखना, जिस सवाल में प्रथम लग गया, हम बोलेंगे प्रथम 5 सम संख्या का योग, योगफल क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में प्रथम जिस सवाल में लग जाएगा ना, तो सम संख्या का योगफल का सूत्र होता है n × n+1। इसमें आधा उधा करना नहीं है। जैसे 10 तक बोले तो 10 तक में 5 यहाँ लगा दिया n का मान ना, लेकिन जिस सवाल में प्रथम लग जाएगा उस सवाल में आधा नहीं करना, डायरेक्ट उठा के सेम टू सेम छाप देना। यहाँ रखेंगे 5
अब 5+1 6 पंचायत 30 हो जाएगा, बस ये आंसर है। अब इसी आधार पर सारे सवाल को हम बना देते हैं आपके क्वेश्चन वाला को, यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार पीछे वीडियो करके देख लीजिए, सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद फिर मेरे साथ चलिए, अब देखिए सवाल कैसे दौड़ता है। अब आ जाएंगे पहला नंबर सवाल के, प्रथम 20 विषम संख्या की योगफल, प्रथम कह दिया तो विषम संख्या का योग का सूत्र होता है क्या, एन स्क्वायर होता है। प्रथम वाला हम सवाल में बोले आधा भी नहीं करना, सिर्फ 20 का स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर हो गया 400, यही आंसर 400 होगा। दूसरा नंबर सवाल का कि 50 प्रथम 50 विषम संख्या की योगफल, प्रथम लग गया तो एन स्क्वायर विषम संख्या की योगफल 50 कर दिए, 50 का स्क्वायर आपका आंसर 25 हो गया। तीसरा सवाल हमको कहा प्रथम 25 विषम संख्या की योगफल क्या होगा, तो 25 विषम संख्या एन स्क्वायर प्रथम लग गया तो 25 का स्क्वायर कर दिए, 625 हो जाएगा, विषम संख्या का योगफल हो गया, खेला खत्म हो गया। अगला सवाल बोलता है 50 तक के, अब सवाल कहता है, अब सवाल बदल गया, चौथा नंबर सवाल बोलता है कि 50 तक के सभी विषम संख्या का योगफल, तक लग गया 50 तक, प्रथम नहीं लगा है, प्रथम छूट गया, तो जिस सवाल में तक लगेगा उस सवाल में एन का मान हाफ होता है, 50 तक में विषम संख्या क्या होगा 25 होगा, इसीलिए एन का मान हम 25 से डालेंगे। 50 तक के सभी विषम संख्या का योगफल क्या होगा, तो एन स्क्वायर होता है योगफल, तो 25 का स्क्वायर कर दिए 625 हो जाएगा, 625 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवा सवाल कहता है 100 तक के सभी विषम संख्या की, 100 तक में 50 को विषम संख्या, बस 50 का स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर निकलेगा, 50 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 2500 आपका आंसर निकल जाएगा। छठा नंबर सवाल पर हम आते हैं, छठा नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा ये आपसे पूछता है। प्रथम लग गया तो सम संख्या का योगफल, छठा नंबर सवाल बोलता है तो सम संख्या का योगफल हम पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत, सम संख्या का योगफल बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, तो यहाँ पर कहा प्रथम 10 सम संख्या का योगफल, प्रथम लग गया तो आधा नहीं करना, डायरेक्ट 10 डाल दिए, 10+1=11, आंसर 110 हो गया, आंसर हो गया 110। सातवां नंबर पर हम चलते हैं, सातवां नंबर सवाल कहता है कि प्रथम 20 सम संख्या का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 तो n इंटू एन प्लस वन, प्रथम लग गया तो 20 गुना 20+1=21, यह 2 होगा 4 होगा 420 आंसर होगा, यही आंसर होगा 420, समझ में आ गया। अगला सवाल कहता है आठ नंबर, 10 तक के सभी सम संख्या की योगफल, तक लग गया तो आपको करना है आधा, जिस सवाल में तक लगेगा उस सवाल में आधा होगा मान, 10 तक में 5 को सम संख्या होता है, 10 तक के सभी सम संख्या का योगफल, योगफल क्या हो सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन, या एन का मान 5 डालिएगा, 5 × 6 = 35 आंसर हो गया, यही काम करना है। अगला सवाल 9 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर पर आते हैं, सवाल तो दौड़ेगा, अब बोलेंगे हम नहीं जानते तो हम तो सिखा रहे हैं, अब तो सीखिए, तो सवाल दौड़ेगा। 9 नंबर सवाल कहता है कि 100 तक के सभी सम संख्या का योग क्या हो, 100 तक के सभी सम संख्या n इंटू एन प्लस वन होता है, 100 तक में 50 सम संख्या होता है, 50+1=51 हो गया, इसको गुना कर लेते हैं, ये 5 ये 25, यानी 2550 होगा, बस यही आपका आंसर हो गया, 2550 आपका आंसर हो जाएगा, 2550 आपका ऑप्शन नंबर डी है, आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। अगला सवाल पर आते हैं, 10 नंबर सवाल का था कि 500 तक में कितने सम संख्या होते हैं, बताइए ना, फिर हम बोले 500 तक में आधा सम आधा विषम होता है, 250 सम संख्या हो जाएगा, आंसर हो गया 250 हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कहता है कि 1000 तक में कितने विषम संख्या होते हैं, 1000 तक में 500 विषम संख्या होते हैं, 500 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर आइएगा, ध्यान से 12 नंबर आइएगा, 12 नंबर कहता है आपका कि 1, 2, 3, 4 20 तक का औसत निकालना, तो औसत का सूत्र आप जानिए, जो नहीं भी पढ़े हैं औसत हम सिखा देते हैं आपको, औसत बराबर पहली जोर अंतिम बटा 2, ये होता है, तो पहली आपका 1, अंतिम आपका 20 बटा 2, अब इसको क्या करेंगे 10.5 तो लिखेंगे ना,
बस यही उत्तर हो गया, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना। औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम मिनट टू। 13 नंबर सवाल कहता है, 12 नंबर फिर, हाँ 13 नंबर सवाल ये कहता है, 1 + 2 उसके बाद 3, 100 तक का औसत। तो सूत्र पहली जोड़ अंतिम बटा टू, इसको लिखेंगे 50.1। बस आंसर हो गया, बस हल करना है और कुछ करना नहीं है। आंसर 50.1 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिज आपका आंसर हो जाएगा, 50.1 आएगा, कोई दिक्कत 50.5 आएगा, 50.5 आएगा, हाँ 50.5 आएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिज, 50.5 आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 नंबर सवाल पढ़ाएंगे। 14 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिएगा, 2, 4, 6 100 तक का औसत, पहली जोर अंतिम बटा टू, पहली दो अंतिम 100 बटा टू, इसको आप क्या लिखेंगे, तो 102/2 ये होगा ना, तो आप लिखेंगे 51 आंसर हो गया। बस हल करना है, पहली जोर अंतिम बटा टू ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कि सब पर लागू होता है, आंसर 51 हो जाए, और हम पढ़ाएंगे विशेष चैप्टर में तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आपका अगला नंबर सवाल है 15 नंबर सवाल कहता है 3, 6, 9 और 99 तक का औसत क्या होगा। 15 नंबर सवाल, 3, 6, 9 99 तक का औसत, पहली जोर अंतिम बाय टू, ये होता है ना। अब इसको हल कर, 9, 3, 12, 2 बाकी एक, अब 102 बाय टू, इसका भी आंसर 51 हो जाएगा, आंसर हो गया 51 आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 4, 8, 12 64 का औसत क्या होगा। औसत बराबर पहली जोर अंतिम बटा टू हम बोलवे किए हैं, और करना कुछ नहीं है, 68 हो गया बटा टू, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 × 4 = 34, यही आपका आंसर 34 हो जाएगा। जिस सवाल, जो सवाल सीरीज में बढ़ना स्टार्ट हो जाए वो सवाल में चिंता नहीं करना, डायरेक्ट आपको पहली जोर अंतिम बटा टू करना है, वो औसत निकाल देगा, तुरंत आंसर निकलेगा। सवाल नंबर 17 पर आएंगे, 17 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, 17 नंबर सवाल कहता है RAM को कितने तरह से सजाया जा सकता, कुछ नहीं करना है, कितना पार्ट में, 3 पार्ट में, तो फैक्टोरियल 3 लिख लीजिए, बस इसका सॉल्यूशन लीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि 3 को हम स्टार्ट करेंगे, जो अंदर में लिखा रहेगा उतना से स्टार्ट करेंगे और 1 तक पहुंचा देंगे, 2, 1, बस हल कर लेंगे, 3, 2, 9, 6 आंसर हो जाए। अगर 5 लिखा रहा था, 5 से स्टार्ट करते 1 तक पहुंचा देते, हल कर लेते, आंसर हो जाता। अगला सवाल है आपका 18 नंबर, SHYAM 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिख दिए, इसको हल कीजिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20 = 60 × 120 आपका आंसर हो जाए 120, बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। 19 नंबर सवाल कहता है ट्रिक, TRICK 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, अभी गुना करवे किया 120 आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, फटाफट लिखना और कुछ करना नहीं है। अगला सेंटर, CENTER, अगला सवाल देखिए कि सेंटर को लिखना है, यानी ट्रिक सेंटर हो गया, आपको तो पता है ट्रिक सेंटर कहाँ है, बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानगंज में, जिनको क्लास करनी आ जाइए, CENTRE लिखा हुआ है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6 लिए, लेकिन इसमें रिपीट कर रहा है ई, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रिपीट करेगा, जो लेटर रिपीट जितने बार करेगा उतने से भाग दे दीजिएगा, तो ई दो बार आया तो 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड कर लिया, तो हल कीजिए इसको, ऊपर वाला लिखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिख दिए, और नीचे वाला 2 से करेंगे 1 तक पहुंचा देंगे, ये दोनों कैंसिल आपका हो गया, इसको हल कर दें, 6, 5, 30, 4, 120, 120 + 360 आंसर 360 हो जाएगा, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा, समझ में आ गया, 360 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आइए 22 नंबर सवाल बोलता है निरंजन, ध्यान से आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से,
आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है निरंजन, एन आई आर ए एन जे ए एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8 ले लिए। देखिए कितना पार्ट रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है दो बार, ये तीन बार, जितना रिपीट करे भाग दे दो। और रिपीट और कोई कर रहा है, ए ए यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर ए रिपीट कर रहा है दो बार। और कोई रिपीट कर रहा है क्या? आई तो है नहीं, आर है नहीं, उसका ए तो हो गया, एन हो गया, जे, अब कोई नहीं करता। इसको हल करना है, हल कीजिए आप। हल करने के लिए कारण क्या ध्यान दीजिएगा, यह आपका है कि आठ से स्टार्ट करेंगे और एक तक पहुंचाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो आपको आराम से हल करना है कि 8 7 6 5 4 उसका 3 होगा। देखिए 3 वाला नीचे है, ये अब लिखवे नहीं करेंगे, ये माने मन काट दिए, हटा दिए। हल करने का तरीका सीखिए, 8 से हमको 4 तक चलना है, 3 वाला है तो वो सोचिए कट जाएगा, हम लिख के काहल काटेंगे, पहले ये छोड़ दिए, ये खाला ख़त्म हो गया तो 2 बचा, तो 2 गुना 1 कर लीजिए, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको लिख दिए। अब हल करते हैं, 8 7 56 56 हो गया, 5 2 10 5 2 10 6 60 ये 60 हो गया, ये 56 हो गया, 6 5 36 2 9 60 हो गया। इसको हल करते हैं, ये 6 हो जाएगा, बाकी 3 6 5 36 3 33 यानी 3360 आपका आंसर हो जाएगा, 3360 इसका आंसर होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हल करना है और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 देखिएगा, एक बार वीडियो और आगे पीछे करके देख लेंगे, समझ में पूरी तरह आ जाएगा। सवाल सिर्फ आप 2 या 3 सवाल पढ़ते तो रहिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 23 बोलता है, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, ये उत्तर इसको बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, और नीचे वाला दक्षिण हो गया। हमको कहा कि यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व यह है, इसका नाम बोला पश्चिम, यह डायरेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं, इस सारो डायरेक्शन को याद रखिएगा, उत्तर पूर्व हो गया पश्चिम, पश्चिम को उल्टा ये पूर्व हो गया, हो गया। अब देखिए आप जानिए कि और कुछ बोला जा रहा है इसमें, दक्ष कहा जाए और दक्षिण को, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए ठीक है, कहा जाए दक्षिण को उत्तर कहा जाए या कुछ छोटा जाए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण को उत्तर कहा जाए, एक चीज़ यहाँ छूट गया है, और दक्षिण पूर्व होगा और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये बोलना चाहिए, और दक्षिण पूर्व, यहाँ पूर्व छूट गया, पूर्व जोड़ दिए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो यहाँ उत्तर लिख दिए, उत्तर को उल्टा या दक्षिण हो गया। तो हमको कहता है, हमको कहता आगे इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, दक्षिण ओरिजिनल दक्षिण यही है ना, किनके किनके बीच में, उत्तर पूर्व के बीच में आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व। जो डायरेक्शन पढ़े वो आंसर तुरंत निकाल ले होंगे, जो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम समझाएंगे, उसको टेंशन नहीं लेना है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व आपका आंसर है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल आएंगे, 24 नंबर सवाल आपका कहता क्या है ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर सवाल यहाँ बोल रहा है कि यदि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण और पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ऊपर उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो यही है ना, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो ये आपका दक्षिण हो गया, दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है, ये अपने मन से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आगे फिर कहा जाए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यह है तो इसको पश्चिम कहा, तो पश्चिम हमने बोल दिया, पश्चिम का उल्टा पूर्व होता है, इसको हमने पूर्व बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो गो पूर्व, दो गो पश्चिम, दो गो उत्तर, दो गो दक्षिण दिख रहा है, तो ओरिजिनल में जो रहेगा तो हमको इसमें बोलता दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा, तो ओरिजिनल दक्षिण तो यही है ना, किनके किनके बीच में, दक्षिण पूर्व, तो आंसर हो गया दक्षिण पूर्व, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 25 नंबर सवाल देखिए,
25 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे, एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज दिया है, इसमें पूछता कि कितने त्रिभुज की संख्या होगी। तो एक दो तीन बार कटा हुआ है, ऐसे कटा हुआ त्रिभुज की संख्या पूछता, इसको कुछ नहीं करना, काउंट कर लेना, एक दो तीन चार, चार काउंट आया, एक दो तीन चार, चार काउंट आया, ये चारों को जोड़ लीजिए, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तीन तीन छः चार दस, बस आंसर 10 त्रिभुज होगा और गिनने की ज़रूरत नहीं है। यह ट्रिक है, इसको याद रखना, सिर्फ काउंट कर लेना है, उसके बाद लिख देना है, जोड़ के आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल 26 नंबर आइएगा, 26 नंबर आइएगा सवाल, 26 नंबर सवाल कहा था क्या, ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से, 26 नंबर है, ये कई बार हम बता चुके हैं, ये डाइस है, तीन डाइस आपको दिया है, तीन डाइस में आपको दिया गया है ए बी सी डी लिखा हुआ है कुछ, अब इसमें लिखा हुआ है किसके विपरीत क्या खोजता है उसको पहले लिख लेते हैं, आर क्यू टी टी पी एम सी आर टी, तो हमको कहता है आर के विपरीत सतह पर क्या होगा, आर यहाँ पर है ना, विपरीत सतह पर क्या होगा, आर के बगल में क्यू टी है, क्यू टी कहीं पर और मिल रहा है क्या, तो आर के बगल में क्यू टी, क्यू टी तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो आर दूसरा आर को देखिए, एक आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सी टी, सी टी कहीं मिल रहा है क्या, सी टी भी नहीं मिल रहा है, तो देखिए आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, नहीं पता चल रहा है, तो आर के विपरीत सतह पर कॉमन तो यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पर आर हुआ, आर क्यू टी टी पी एम, ठीक है, सी आर टी, सी आर टी विपरीत सतह पर हमको करना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको हम ये चीज़ सिखाए हुए बनाने के लिए सिखाए, इसमें दो पासा को कॉमन लेना पड़ता है जिसमें एक चीज़ कॉमन आता है, इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन है क्या, तो बोलेंगे टी कॉमन है, जो कॉमन है उसको बीच में लिख दीजिए, कॉमन है तो बीच में लिख दिए, अब टी के बगल में क्यू और आर है, टी के बगल में क्यू और आर है, तो क्यू आर यहाँ दे दिए, अब देखिए टी कॉमन ले लिए तो क्यू के बगल में एम और पी है, तो एम और पी दे दिए, तो हमको पूछता है आर का उल्टा क्या होगा, आर के विपरीत सतह पर क्या, आर का उल्टा नीचे होता है, आर के विपरीत सतह पर पी हो जाएगा, आंसर पी हो जाएगा, यही उत्तर हो गया, आर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, पी, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आर के विपरीत सतह पर पी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका तरीका क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका तरीका होता है कि दो पासा को आप चूज कीजिए जिसमें एक चीज कॉमन आ जाए, ये दोनों पासा को हम देखें कि टी कॉमन आ रहा था, तो टी कॉमन आ रहा था तो जो कॉमन आएगा बीच में लिख दीजिए, उसके बगल में जो रहे क्यू और आर, क्यू और आर लिख दिए, उसके बाद टी के बगल में क्या है एम और पी, तो एम और पी लिख दिए, बगल में लिखते हुए चले गए, ऊपर का उल्टा नीचे, नीचे का उल्टा ऊपर, इधर का उल्टा इस तरफ और इसका उल्टा इस तरफ होता, और जो नहीं दिखता उसका उल्टा बीच वाला होता है, तो हमको पूछा आर का उल्टा क्या होता, आर का उल्टा पी हो जाएगा, आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अगले सवाल पढ़ाइए, अगले सवाल पढ़ाइए, यहाँ ध्यान दीजिए अगला सवाल क्या है, पहले कॉमन विधि देखेंगे, कॉमन विधि मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे हम चलेंगे। सवाल यहाँ 27 नंबर है, ध्यान से देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर फिर पासा है, देखिएगा ये सवाल दो तीन सवाल में हम समझा देते, जो नहीं समझे हैं, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े वो भी समझ सकते, बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ ध्यान देना है, तीन पाँच छ चार पाँच तीन, तो हमको पूछता है कि इसमें, इसमें तो दिया ही नहीं किस किसका विपरीत खोजना है, 27 नंबर यहाँ दिया है क्या, अच्छा इस तरफ भी तो नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम सारा चीज़ बता देते हैं किसके विपरीत क्या चाहिए, यहाँ पर हम आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर देखिए हम सबका विपरीत एक तरफ से निकाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो,
दो पासा को चूज करते हैं जिसमें एक डिजिट कॉमन आए। देखिए इसमें 3 और 6 दो को दिख रहा है, नहीं होगा। इस दोनों में देखिए, इस दोनों में देखिए 3 आपको दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों पासा को उठा लेते हैं। ध्यान से सबको देखिएगा, और जो कॉमन आ गया उसको बीच में लिख दिए, 3 आ गया तो 3 बीच में लिख दिए, 3 के बगल में 2 और 6 आ गया 2 और 6 लिख दिए। कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर, खाली कोना में नहीं लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 2 तो यहाँ 6 होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 तो यहाँ 6 होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 तो यहाँ 6 सीरियल वाइज होना, यहाँ 2 तो यहाँ 6। अब ये बिचला को छोड़ देंगे, बिचला से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ हमको 3 लिखा गया, 3 के बगल में 5 और 4 है तो 5 और 4 लिख दिए, बस हो गया। इतना ही काम करना है, 6 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 2, और जो नहीं दिखता उसका बीच वाला उल्टा होता है। लूडो में 6 फलक होता है, तो एक कहीं दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 होता है, एक तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए उसका उल्टा बीच वाला हो जाएगा, 3 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो जो पूछेगा हम आंसर दे सकते हैं, बस ये तरीका इस्तेमाल करके, और कुछ करना नहीं। ऐसे नहीं लिखा है तो सारा चीज़ हम निकाल लिए, जो पूछेगा दे सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28, 28 नंबर सवाल आइएगा, सवाल नंबर 28 देखिएगा कहता क्या है। सवाल नंबर 28 यहाँ पर देखिए, फोटो बना लेते हैं, बनाने का तुरंत अगर समझ जाते हैं, सारे पीछे वाला रिपीट करते रहिएगा, जितना वीडियो हम भेज रहे हैं सारे का रिपीट करेंगे। 4 3 6 4 2 3 4 1 2, इसमें पूछता 2 के विपरीत, पहले कॉमन विधि लगाएंगे। 2 यहाँ पर आया, 4 और 3 किसी में कॉमन मिल रहा है क्या? देखिए 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, दोनों मिल गया। तो 2 को उल्टा 6 कॉमन विधि पहले लगाना है, अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लकीर पार के हम काम करेंगे। कॉमन विधि लग गया, आंसर हो गया, ये ठीक है। आप 29 नंबर आएंगे, 28 हो गया, 29 नंबर आइए, कॉमन विधि मिल गया तो कॉमन में कॉमन को हटा दो, जो बच गया वही आंसर होगा। 29 नंबर सवाल आइए, 29 नंबर बोलता है जामुनी, हम फोटो बना देते हैं, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है आप देख सकते हैं इसे, क्वेश्चन जिनके पास नहीं अवेलेबल है वो देखिए। यहाँ जामुनी और उसके नीचे नारंगी और यहाँ पर बैगनी, ये हो गया, यहाँ पर है बैगनी और यहाँ नारंगी और यहाँ पर लाल और यह हरा, ये लाल और ये नीला। तो हमको पूछा जा रहा है जामुनी रंग के विपरीत सतह पर क्या होगा, जामुनी को उल्टा। तो जामुनी यहां पर आपका है ना, तो बगल में बैगनी और नारंगी कहीं मिल रहा है क्या? देखिए बैगनी यहां पर मिल गया, नारंगी यहां पर मिल गया, तो ये दोनों कॉमन में कॉमन को हटा दिए तो जामुनी को उल्टा लाल सीधे हो जाएगा, जो बच जाएगा तो उसका उल्टा लाल हो जाएगा। बस इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा, और कुछ करना नहीं, ये आंसर बनेगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता है ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अगले टाइप पर हम चलते हैं। देखिए आगे सवाल आपका है 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल देखिएगा आप, ये आपका है सीरीज है, सीरीज को हम लिख देते हैं, यहाँ पर दिया गया है 4 20 और 5, यहाँ पर 6 18 और यहाँ 3, यहाँ पर है 54 और 9। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों को यदि आप गुना कर देते हैं तो यहाँ पर लिख दिया है, अगर ये दोनों को गुना कर देते हैं तो यहाँ लिख दिया, ये दोनों को गुना करने पर यहाँ होगा ना, तो यहाँ पर क्या डालिएगा, 6 डालिएगा तो 9 6 54 हो जाएगा, इसलिए आंसर 6 हो जाएगा, आंसर 6 हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल 31, सेम चीज़ है, इसको सोचना है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 80 है, यहाँ पर आपका 16, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 207, तो हमको यहाँ पर बनाना है 25 21 108। देखिए इसमें क्या किया गया है, स्क्वायर कीजिए, 12 के स्क्वायर 144, 8 के स्क्वायर 64, बस ये दोनों को घटा लीजिए 80 हो जाएगा, यानी स्क्वायर करके घटा दिया गया, तो इसमें भी स्क्वायर करके घटाया होगा 256, 7 के स्क्वायर 49 हमने घटाया तो 207 आ गया,
हो गया। इसमें भी कारण है 25 का स्क्वायर 625, अब 21 का स्क्वायर 441, बस ये 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, बस यहाँ 184 आपका आंसर हो जाएगा। बस ये उत्तर हो गया 184, यानी स्क्वायर करके घटा लिया गया है, आपका आंसर मिल गया। समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर आइए। सारे स्टूडेंट थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप आईडी पर ये वीडियो का लिंक डाल दिया कर दीजिए, स्टेटस में लगा दिया कीजिए, ताकि ये ग्रोथ करे, आपकी तरक्की मेरी तरक्की। 32 नंबर आएंगे। 32 नंबर सवाल कहा था कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से पांचवें अक्षर तथा बाएं छोर से पंद्रहवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो मध्य वाला सवाल में कुछ नहीं करना, बाएं छोर से पांचवें और बाएं छोर से पंद्रहवें दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर लीजिए, तो 10 आया तो 10वां लेटर आपको पता होना चाहिए जे, बस ये आंसर हो गया। मध्य वाला सवाल यही होता है, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड करना, और कुछ नहीं होता है। 33 नंबर सवाल आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ तथा पी के बीच मध्य में कौन सा अक्षर हो, एफ का नंबर 6, पी का नंबर 16, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर लीजिए। 16 और 6 को जोड़ लीजिए, ये 16 6 22 हो गया, 22 11 11 लेटर के आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 नंबर सवाल बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में जे और ओ के मध्य, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, मध्य 2, जैसे ये नहीं काटेगा, ये 25 2 नहीं कट रहा है, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर हो गया। अगला है 35 नंबर सवाल, आप देखिए लास्ट सवाल है, ध्यान देना। 35 नंबर सवाल आपका कहता है कि जी तथा क्यू के मध्य, जी का नंबर 7, क्यू का नंबर 17, दोनों का जोड़िए दो से डिवाइड किए, ये 24 2 12 बारहवां लेटर एल हो गया, आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं है। समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। और एक वीडियो आपका बैक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो हम डाउनलोड कर देंगे, थोड़ा सा अभी दिक्कत है इसलिए हम ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रहे हैं, फिर आगे हम आपको सिखाएंगे अच्छी तरह से। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।